अब देखो ये, ये कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, ये कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा नहीं है, सेम ना तो इसका पूरा है ऑक्टेट ना इसका पूरा है, यानी ये या ये प्रोडक्ट नहीं है, दे आर सिंपली द इंटरमीडिएट्स। लेकिन जब भी इन्हें बॉन्ड बनाना होगा तभी ये क्या करेंगे, अपना ऑक्टेट पूरा करेंगे, और बॉन्ड की फॉर्मेशन के समय या तो ये अपना स्पिन चेंज करेगा या ये अपना चेंज करेगा, मीनिंग बॉन्ड के रोटेशन के बाद या बिफोर द रोटेशन ऑफ बॉन्ड वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैज टू चेंज इट्स स्पिन टू मेक अ बॉन्ड, अपना स्पिन को चेंज करना ही पड़ेगा तभी बॉन्ड बनेगा, और अगर अपना स्पिन चेंज करेगा और बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो वी हैव द टू पॉसिबिलिटीज ऑफ द प्रोडक्ट, वन एंड द सेकेंड वन मीनिंग कि जरूरी नहीं कि यहां स्पिन सॉरी रोटेशन हो या रोटेशन होने के बाद ये फॉर्म ही रहे, ये तो दोनों ही सर्वाइव कर सकती है, रोटेशन ऐसे हो रहा है ये फॉर्म भी रह सकती है और ये भी रह सकती है, ये फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का स्पिन होगा ये बनेगा, ये फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का स्पिन होगा ये बनेगा, दोनों की पॉसिबिलिटी है, वन थिंग। दूसरा एक और, हमने ये क्यों कंसीडर किया कि इलेक्ट्रॉन सॉरी बॉन्ड का रोटेशन ही होगा, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन अपना स्पिन चेंज कर लेता और इमीडिएटली यहां बॉन्ड बन जाता, दैट इज ऑल्सो कंसीडर, क्योंकि फाइनली इसको भी चेंज करना है इसको भी चेंज करना है, तो व्हाई वी आर कंसीडरिंग के इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड का रोटेशन ही होगा, बिकॉज द रोटेशन ऑफ बॉन्ड इज फास्टर देन द रिवर्सल ऑफ स्पिन, ये तो रेट है इलेक्ट्रॉन का स्पिन, जैसे ये है ना इलेक्ट्रॉन का स्पिन, इसका चेंज करना है आपने ऐसे हो गया, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा बाय द कैलकुलेशंस बाय द एनर्जी देन द रोटेशन, इसीलिए हम इस पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो दैट यू कैन नोट इट डाउन विद द इंपॉर्टेंट नोट, नहीं करें जो मैं द रोटेशन ऑफ बॉन्ड अलोंग द सिंगल बॉन्ड इज फास्टर देन द स्पिन रिवर्सल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फास्टर देन द स्पिन रिवर्सल ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी इज सेम, द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी इज सेम, देन वॉट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस केस, क्या याद रखना है बच्चों आपने, हमारे पास एल्कीन कैसी थी, कार्बीन, प्रोडक्ट क्या बना, सिस ट्रांस बोथ, सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा, ठीक है, प्रीवियस केस सिस एल्कीन सिंगलेट कार्बीन प्रोडक्ट विल बी ट्रांस एल्कीन सिंगलेट कार्बीन प्रोडक्ट विल बी ट्रांस, सिंगलेट कार्बीन होगी तो जैसी एल्कीन होगी वैसे ही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि वहां सिंगल बॉन्ड के रिवर्सल के लिए कोई टाइम गैप नहीं होता, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन और दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन
एंटी पैरेलल ही मिलते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन अपोजिट मिलता है, जैसे यहां मिला, दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन पैरेलल होगा, और स्पिन के रिवर्सल से पहले ही बॉन्ड को रोटेट किया जा सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट भी मिल सकता है और ये भी, यानी सिस एल्कीन से ट्रांस कार्बीन के एडिशन के बाद सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस दोनों मिल सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई अब आपको, नोट कर लिया आप सभी ने। तो अगर हमारे पास ट्रांस एल्कीन होती मान ले, और इस बार हम ट्रिपलेट कार्बीन को यूज करते, विच कार्बीन वी आर यूजिंग, ट्रिपलेट, तो प्रोडक्ट क्या मिलता, सिस या ट्रांस, सेम। यानी यहां पर आप प्रोडक्ट के बेसिस पर ये नहीं बता सकते कि स्टार्टिंग कंपाउंड सिस था या स्टार्टिंग कंपाउंड ट्रांस था। अबव केस हो या सेकंड केस हो, यहां भी आपको ये कंपाउंड मिलेंगे, और यहां भी आपको यही कंपाउंड मिलेंगे। दिस वन इज द ट्रांस एंड दिस इज द सिस। पठानकोट एंड कुमारवी, क्लियर है आप लोगों को बच्चों? कोई डाउट तो नहीं है? और इस पार्ट को अच्छे से समझकर नेक्स्ट टर्न पर आप लोग आना, इस पर बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं। हाँ बोलो। नहीं, ऑलमोस्ट दोनों प्रोडक्ट इक्वल अमाउंट में फॉर्म होंगे, दोनों प्रोडक्ट ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में फॉर्म होंगे। हाँ सर्टेनली, हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है किससे, सिस से। रीजन, द ग्रुप्स आर अपोजिट साइड, ट्रांसफॉर्म की स्टेबिलिटी सिस से थोड़ी ज्यादा होती है, और अगर सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड है तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, रिपल्शन कम होगी, तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी किससे, सिस से। तो यील्ड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांस इज स्लाइटली मोर देन सिस बिकॉज ऑफ मोर स्टेबिलिटी। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए, द ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। Because of low steric hindrance, less steric repulsion. लिख लिया बच्चों कार्बीन, कोई डाउट तो नहीं अभी? अच्छा एक बात बताइए, आइसोमेरिज्म आपको अच्छे से आती है? पठानकोट, हाँ जी, स्ट्रक्चरल आती है, स्ट्रक्चरल आती है, स्टीरियो नहीं आती, स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल भी नहीं आती। ओके, ज्योमेट्रिकल नहीं किया आपने, ऑप्टिकल भी नहीं किया होगा, फिर तो कन्फर्मेशनल कॉन्फ़िगरेशनल कुछ नहीं किया। ओके, मतलब चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, स्क्यू,
स्टैगर्ड गौशे चलो क्वेर कोई बात नहीं. अच्छा मुझे बताओ कीटो इनऑल टॉटोमेरिज्म तो की होगी. टॉटोमेरिज्म ठीक है चलो कोई बात नहीं उसको भी पढ़ लेना क्योंकि हमें आइसोमेरिज्म भी यूज करनी होती है जीओसी में. ठीक है और उसके बाद हम फिर देखेंगे कि आपने क्या नहीं किया है आइसोमेरिज्म में. एज यू सेड कि आपने स्टीरियो तो बिल्कुल नहीं की. कार्बोकेटायन कार्बिन आयन फ्री रेडिकल कार्बिन. नेक्स्ट वन यानी आगे लिखिए. इफेक्ट्स ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसको आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन में भी यूज करेंगे और रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में भी यूज करेंगे. इफेक्ट्स कौन कौन से पढ़ने हैं आपने. बहुत सारे पढ़ने हैं. इंडक्टिव इलेक्ट्रोमेरिक मीजोमेरिक एंड द हाइपर कंजुगेशन. मीजोमेरिक इफेक्ट को ही हम रेजोनेंस भी बोलते हैं. रेजोनेंस इफेक्ट इसमें से कौन सा इफेक्ट है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा आता है. क्यों भाई पठानकोट ये बताइए कि आपको इन चारों इफेक्ट में से सबसे अच्छा इफेक्ट कौन सा आता है. अरे जोर से बोलो सब बोल रहे हो लेकिन आवाज नहीं आ रही किसी की प्रॉपर. रेजोनेंस इफेक्ट सबको आता है. अच्छा हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक. नो सर नो सर नो सर. चलो तो जो इफेक्ट आपको सबसे ज्यादा आता है उसको क्या पढ़ाना. हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सबसे ज्यादा यूज होने वाला और सबसे टफ दैट इज द मीजोमेरिक और द रेजोनेंस इफेक्ट. हम सारे ही डिस्कस करेंगे. ठीक है मैं कंसीडर करके चल रहा हूं कि आप लोगों को कुछ नहीं आता. ठीक है और अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन मेरी कंसीडरेशन है कि आपको इसमें कुछ नहीं आता तो मैं हर छोटा बड़ा पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है और अगर आपको आता है तो वेरी गुड आपकी डिवीजन हो जाएगा एनहांसमेंट हो जाएगा और नहीं आता है तो आप सीख लेंगे. फिर भी कोई डाउट है जैसे मान लीजिए आपको आती है कोई चीज हमने डिस्कस की आपका कोई डाउट आया इमीडिएटली रिजॉल्व द डाउट. ठीक है हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मीजोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट. मीजोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट में जाने से पहले हमें रेजोनेंस पता होना चाहिए क्या होता है. क्या होता है रेजोनेंस. हाँ बताओ ऐसे ही बस डिफाइन कर दो कि ये होता है सर रेजोनेंस. स्ट्रक्चर चेंज होगी सर फिर से उसी पोजीशन का. सबसे पहली बात स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता बॉन्ड चेंज होते हैं. ठीक है स्ट्रक्चर चेंज का मतलब एटम शिफ्ट करना और रेजोनेंस की एक कंडीशन है कि एटम शिफ्ट कभी नहीं होंगे. एटम शिफ्ट हो गए तो कभी भी रेजोनेंस नहीं होगा. तो इन द केस ऑफ रेजोनेंस ओनली लोन पेयर और द बॉन्ड पेयर. बॉन्ड पेयर में मतलब मल्टीपल बॉन्ड शिफ्ट फ्रॉम वन एटम टू अनदर
एक एटम से निकलते हैं और दूसरे एटम पर चले जाते हैं. एटम्स डू नॉट शिफ्ट, एटम्स डू नॉट शिफ्ट या माइग्रेट. अगर एटम कहीं भी शिफ्ट हो गया, माइग्रेट कर गया, तो दैट विल नॉट बी अ तब हम उसको रेजोनेंस नहीं कहेंगे. तीसरी एक और इंपॉर्टेंट कि कब हमें रेजोनेंस मिलेगा, उसके लिए मॉलिक्यूल या आयन में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए. क्या होना चाहिए मॉलिक्यूल या आयन के अंदर? कॉन्जुगेशन होना चाहिए. क्या होता है कॉन्जुगेशन? किस कंडीशन को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं बच्चों? नहीं, कॉन्जुगेशन सिस्टम को कहते हैं, प्रेजेंस को कहते हैं, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट को कहते हैं, या बॉन्ड्स के प्रेजेंस अरेंजमेंट को कहते हैं. किसको कहते हैं बताओ जरा? क्या ऑल्टरनेट, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ट्रिपल भी हो सकता है, डबल सिंगल डबल. कोई एग्जांपल बताएगा? बेंजीन. कॉन्जुगेशन होना चाहिए, एक कंडीशन. दूसरी कंडीशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज हो तब भी मिलेगा. This one, double single negative या double single negative, ये एक और resonance है, double single double. ये ring compound में भी हो सकता है और open chain में भी हो सकता है, double single negative. नेक्स्ट कंडीशन, डबल सिंगल पॉजिटिव. ये आ गई कंडीशन. Double, single, positive, anywhere it is possible. This one, देखो, double, single, double, single, double, single, positive. इस आयन को हम कहते हैं ट्रोपीलियम आयन. डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर. फॉर एग्जाम्पल फिनॉल, डबल सिंगल लोन पेयर. बेंजीन का डबल बॉन्ड, फिर ओ और कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन पर लोन पेयर. तो ये कंडीशन हो गई डबल सिंगल लोन पेयर. एनिलीन या प्राइमरी एनिलीन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर. डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर. आपको बताया था अभी सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच कौन सा ग्रुप होता है? विनाइल. विनाइल के साथ यह क्या लगा दिया हमने?
क्लोरीन, तो इसका नाम क्या हो गया, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। और इसी को पॉलीमराइज कर देते तो क्या बनता है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्लियर इतना? नेक्स्ट कंडीशन लिखी है रेजोनेंस की, पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड एंड अ लोन पेयर। लाइक दिस वन, पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड एंड अ लोन पेयर। और पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड एंड द लोन पेयर। दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द सिंगल बॉन्ड एंड द लोन पेयर। नेक्स्ट कंडीशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड द एम्प्टी पी ऑर्बिटल। तो डबल बॉन्ड यानी सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, एमटी पी ऑर्बिटल इज विद द बोरोन, बोरोन के पास एक खाली पी ऑर्बिटल होता है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देन डबल सिंगल, और यहां बोरोन लिखा है, इसका मतलब डेफिनेटली इसके पास एक क्या होगा, एमटी पी ऑर्बिटल। तो यही जी वाली कंडीशन हो गई, डबल सिंगल एमटी पी ऑर्बिटल। नेक्स्ट कंडीशन इज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल। लाइक इज दिस वे, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल। And the last condition is the d orbital resonance, is the d orbital resonance. This is the only the kind, single type है इसका d orbital resonance का, और ये d orbital resonance आपको CCl3 positive यही मिलेगा सर, CCl3 एक मिनट, सी सी एल थ्री नेगेटिव, मेक इट नेगेटिव।
और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज. दिस विल शो द डी ऑर्बिटल रेजोनेंस. दीज आर द 9 कंडीशंस विच आर नोन एज द कॉन्जुगेटेड सिस्टम. ये 9 कंडीशन है जिनको हम कौन सा सिस्टम कहते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम. अब अगर ये सिस्टम प्रेजेंट है तो किसी भी मॉलिक्यूल या आयन के अंदर रेजोनेंस हो सकता है, होगा या नहीं, उसके लिए उसको दूसरी एक और कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी. ये एक प्राइम कंडीशन है, बट दिस इज नॉट ओनली द कंडीशन. इसके अलावा भी एक और कंडीशन है. अगर वो कंडीशन भी कोई मॉलिक्यूल आयन जस्टिफाई करेगा तब उसके अंदर रेजोनेंस मिल सकता है, मिलेगा, अदरवाइज नहीं. और वो सेकंड कंडीशन है द कॉन्जुगेटेड सिस्टम. सेकंड कंडीशन कॉन्जुगेटेड सिस्टम शुड बी प्लेनर. कॉन्जुगेटेड सिस्टम कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए, प्लेन से बाहर नहीं जाना चाहिए. बिकॉज द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रेजोनेंस टेक्स प्लेस ओनली इन अ प्लेन. 2D स्ट्रक्चर में ही डीलोकलाइजेशन होता है, 3D स्ट्रक्चर में डीलोकलाइजेशन नहीं होगा. दिस इज व्हाट द बेंजीन, इट इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर, ऑल्टरनेट डबल सिंगल डबल. This is double, single, double, single, double, single, double, single, double. ये भी conjugated system है. This is cyclo, octa, tetraene. Cyclo यानी ring, octa यानी आठ, tetra that is 4, ene यानी double bond. साइक्लो ऑक्टाइन टेट्राइन. इसके अंदर भी हमारे पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिख रहा है, ऑल्टरनेट डबल सिंगल डबल, लेकिन इसके अंदर कोई रेजोनेंस नहीं होता. लेकिन यहां रेजोनेंस मिल जाता है. अब साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन रेजोनेंस क्यों शो नहीं करता, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं है. दिस इज अ टब शेप और बोट शेप स्ट्रक्चर. अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर. किसका बताते तो पहली कंडीशन यह जस्टिफाई होती है, दूसरी कंडीशन जस्टिफाई नहीं होती है. यानी मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है तो स्ट्रक्चर में रेजोनेंस नहीं मिलेगा. अब प्लेनर होने पर ही रेजोनेंस क्यों मिलता है, नॉन प्लेनर पर क्यों नहीं मिलता. आपके पास एक बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है, आप सभी जानते हो, और डीलोकलाइजेशन के बाद हम एक स्ट्रक्चर ये भी बना देते हैं, इसी को तो कहते हैं ना रेजोनेंस. ओके, अब इसको ध्यान से देखो आप.